छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम आ चुके हैं। इस तरह से अंदर से है हमारा एयरपोर्ट। हमारा चार्ट लगा है जो के पर है, तो अभी हम के की तरफ जा रहे हैं। ये 1051 ये जो है बैंकॉक, ये हमारा फ्लाइट है। हम जा रहे हैं थाईलैंड। हम अब बोर्डिंग पास लेने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद हमें बोर्ड देखना पड़ता है कि हमारी फ्लाइट कौन से जोन में आएगी। तो हमारी फ्लाइट के जोन में आई है, तो अब हम थाईलैंड आने के बाद हमें बोर्ड देखना पड़ता है, उस पर हमें समझता है कि हमारी फ्लाइट कौन से इंटरनेशनल इस पर आई है। लेकिन K8 to K14 में ये रैंकिंग रहती है, वहाँ पर हमें बोर्डिंग पास मिलता है। तो यहाँ से हम बोर्डिंग पास ले रहे हैं। बड़ा सामान जो रहेगा वो लगेज में डाल देंगे। यहाँ से बोर्डिंग पास मिल रहा है हमें। यहाँ पर ही लगेज कलेक्ट करेंगे। लगेज के लिए बैग दे दिए। बैग कलेक्ट करते वक्त हमारी निशानी होती है तो जल्दी से समझ में आती है, नहीं तो बैग समझ में नहीं आती। अब यहाँ से हम लगेज के लिए छोड़ देंगे बैग को। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए अभी यहाँ पर रो है। यहाँ पर अपनी बैग डालनी है, मोबाइल, पर्स, बेल्ट और घड़ी, ये सब डालना पड़ता है स्कैनिंग के लिए। मतलब स्कैनिंग के लिए अभी सब सामान रखा है हमने, ऐसा स्कैनिंग के लिए जा रहा है। सिक्योरिटी चेक 3 से 4 बार हुआ हमारा, उसके बाद अभी इमिग्रेशन की तरह आए हम। जैसे काउंटर है, यहाँ पर ड्यूटी फ्री चीज़ें, ये गुची का आउटलेट है। कामा आयुर्वेदा, ये अदानी लाउंज के सामने का एरिया है। बाबा साहब अम्बेडकर शायद उनका घर बताया है। और ये पुराने ज़माने की जो हवेली होती थी उसका सिनारियो बनाया है। बहुत अच्छा नक्शे काम किया है, जैसे पुराने दरवाजे होते थे राजे रजवाड़े के। ये अदानी लॉन्ज है, यहाँ पर हमारे क्रेडिट कार्ड चलते हैं और क्रेडिट कार्ड से हम बस 2 रुपये कट्टे और हम यहाँ पे नाश्ता खाना जो भी चाहे कर सकते हैं। गेट नंबर 471 की तरफ जा रहे हैं। वक्त कम है इसलिए लॉन्ज का ज़्यादा हम शूटिंग नहीं ले पाए। की तरफ देख सकते हो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुंदर है। ये हमारी फ्लाइट है बैंकॉक इंडिगो की, G1051। यहाँ से हम बोर्डिंग पास लेके इधर से अंदर जाएंगे। देख सकते हो प्लेन उड़ने की तैयारी में है। Thank you.
पास का प्रोसीजर पूरा हो चुका है, अब हम फ्लाइट की ओर जा रहे हैं। टिकट और पासपोर्ट चेक करके आते हैं। छोटा प्लेन है हमारा, 4.5 घंटे का जर्नी बैंगलोर टू बैंकॉक। अपने से मतलब कि इंडिया से बैंकॉक 1.5 घंटा आगे। कृपया अपनी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा अनुदेश पत्र को निकालें और हमारी तरफ ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए इस तरह सीटे को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैग को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे टायरों से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे मार्केट देख सकते हो, बारबेक्यू टाइप है। ये कैसा घूम रहा है इसका इसका, ये वो फ्रूट है। ये फ्रूट्स का नाम डुलिया है। ये बहुत नहीं, बहुत स्ट्रांग स्मेल रहता है इसका। इसका ये रेट लिखा है इन्होंने 120 बाट 60 बाट। मरदोस्ती, ये फ्रूट्स का नाम है मरदोस्ती। 80 वर्ट का 1 kg आता है। देख सकते हो आप, बहुत बहुत सॉफ्ट और जूसी और बहुत मीठा फ्रूट है ये। हाँ, व्हाट इज नेम दिस फ्रूट्स नेम? इस नेम मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन। ओके, थैंक यू। नेम लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। Long can. Long can. Okay. What is Lambuchen? Yeah. How much rupees? 80. Mango? Yeah, mango. How much? 60. Whole mango? No, it's mango. Apple mango. It's delicious. Because the camera is mango. Per kg, how much rupees? 100 baht. 100? 1 kg. Okay. Yeah, very hard. Load. Can buy half kilo 50. 30 kilo. 30 laga do. 30 half kg. Then half kilo. Iska bhi puch. Ye bhi humar. यहाँ के ये आम है, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से
परचेस कर लूँ। देख सकते हो कितनी अलग अलग वैरायटी है यहाँ पर फ्रूट्स की। ये शायद ऑरेंज टाइप ही लग रहा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है इसका साइज, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, यहाँ कोई है नहीं। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े साइज के आम हैं। ओह माय गॉड, मूंगफली आप देख सकते हो कितनी लंबी लंबी मूंगफली है और कितनी अलग ही वैरायटी है इसकी। बहुत अलग अलग टाइप के फ्रूट्स है यहाँ पर। ये तो ड्रैगन फ्रूट है हमें पता है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें अलग अलग ही लग रही है यहाँ पर। से दांत के जैसे इसकी बीजें हैं, हमारे टीथ के लग जैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है टीटी है ये। वो ग्रेनेट है आप देख सकते हो, लेकिन कितना अलग ही कलर है इसका और कितनी अलग इसकी शाइन है। उसका शायद उन्होंने जूस बना के रखा है। कितना देखना, आप देख सकते हो कितनी अलग अलग वैरायटी के आम है यहाँ। 60 बट शायद 1 केजी है। सीताफल आप देख सकते हो कितने मेरे अलग ही कलर है। ये अपने जैकफ्रूट। चल आप देख सकते हो ये चिकन के है 15 रुपये, 15 बट मतलब कि 21। आप देख सकते हो सब पूरा मार्केट है ये। $40 जो फनस होते हैं उसमें इन्होंने कुछ स्टफ किया है।